चलो उनको दे दो उनके बारे में। राधे राधे गुरु जी। जी भैया गुरु जी मेरा ये पूछना था आपसे कि जैसे हिंदू धर्म में सब बैठ जाओ, मेरी माँ बहन सब बैठ जाओ, हमारे हिंदू धर्म में काफी गॉड्स हैं, भगवान हैं, फिर भी हमारे कई हिंदू धर्म में लोग जो होते हैं वो पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा जो छोटे छोटे उनके रहते हैं, आपने देखा हो रस्ते में, तो उनके आगे जरूर जाते हैं और वो हाथ जोड़ते हैं, और मैं पूछता हूँ उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कह रहे सब करते हैं, मेरा यही पूछना है। सब कोई नहीं करता, अब देखो इसलिए कहते हैं एक पे विश्वास रखना चाहिए। मेरा श्याम पे भरोसा है, भगवान पे विश्वास रखो और बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान के सिवा कहीं नहीं, एक भगवान के सिवा। पर मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि वो सब ऐसा करती क्यों है, क्या इसका पीछे से ऐसा अज्ञान, अज्ञान 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 उछाल मार रहा है, अज्ञान सिर्फ एक भगवान ने करा, सपने करा। भगवान पे विश्वास नहीं है ऐसे लोगों को। हाँ हाँ। है ना, इसीलिए जो पतिव्रता नारी होती है ना, हाँ हाँ। वो अपने पति के सिवा पराये पुरुष की तरफ कभी नहीं देखती, उसी प्रकार जो सच्चा भक्त होता है वो अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं देखता, ये सब वो लोग हैं जो कहीं भी। तो मैं उनके पीछे ना जाऊं देखकर उनको समझा दो, अच्छा है कहां मूर्ख। राधे राधे गुरु जी, समझाओ अच्छी बात, ये खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। मैं बिहारी जी से बहुत प्यार करती हूँ और बिहारी जी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमको एहसास दिलाया है, हमने बहुत दिन से आने के लिए सोच रहे थे तो टिकट भी कटा और रुक गया, तो हम बिहारी जी से बहुत रोए कि बिहारी जी हमको कब बुलाएंगे, और आपका यूट्यूब पे भागवत देख देख के हमारे अंदर जो मतलब बिहारी जी के लिए प्यार हुआ वो आपसे बता नहीं सकते, और बिहारी जी ने हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है कि जब हम लोग निकले हैं घर से वृंदावन आने के लिए तो हमारी ट्रेन छूट रही थी तो हमारा टिकट नहीं बन पाया, तो बिहारी जी की इतनी कृपा हुई कि हम लोग बिना टिकट के ही आ गए, बिहारी जी ने हमको इतनी मदद करी है, यहाँ आके हर पल पल हमको दर्शन दे रहे हैं, हम लोग को बिहारी जी के मंदिर में इतने बढ़िया से दर्शन हुए हैं कि मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं, और बिहारी जी भी हमको बहुत चाहने लगे, हम भी उनको चाहने लगे हैं, और हम आपको अपना भाई मानते हैं, और भाई के रूप में और बिहारी जी के रूप में एक बात कहना चाहते हैं, उसका कोई भी बुरा ना माने, हम ना मतलब सभी बड़े बूढ़ों से सबसे कहते हैं वही चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि गुरु जी बिहारी जी के रूप में आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं, आप सबसे लोगों से प्रार्थना है कि इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, हम आपको अपने भाई के रूप में मानते हैं। राधे राधे गुरु, खुश रहिए। एक छोटी सी भेंट, हम अभी जो बीच में मिले थे हमने आपको दुपट्टा दिया था ना, और ऑरेंज कलर की पन्नी थी, उसमें हम ना किताब में राधे राधे लिखते हैं, सुबह शाम जब उठते हैं तो राधे राधे लिखते हैं, तो वो हमारी किताब पूरी हो गई, तो वही हम आपको भेंट में देने आए थे। हाँ, बस ये छोटी सी भेंट है, इसको भी ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे की पुस्तिका दे दीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी, आज हमारे बेटे का बर्थडे है तो आप इसको सबसे पहले तो आप आशीर्वाद दीजिए प्लीज। खुश रहिए। और गुरु जी हम ना 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मैं आई थी, उसके बाद मैं भी आपसे जुड़ गई, यूट्यूब पे आपकी कथा सुनती थी, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, मैंने राधे राधे नाम की कंपनी डाल दी है, हाउस कीपिंग गार्ड सर्विसेज, और राधे राधे कंपनी मेरी इतनी अच्छी चल रही है गुरु जी, इतनी अच्छी चल रही है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, और मेरा कहीं भी काम कुछ भी दिक्कत होती है बस मैं राधे राधे बोलती हूँ, मेरा सारा काम बन जाता है गुरु जी। अच्छा है, भगवान सदा आपकी। बस गुरु जी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं जो गरीब है उनकी मैं इतना थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, उनकी मैं हेल्प कर सकूं। बिल्कुल, भगवान आपको खूब सामर्थ्यता दें, सामर्थ्यवान बनाए। खुश बेटा यहाँ ले आओ माइक, पाठक जी सब लोग बैठ जाइएगा, और जो यूट्यूब पर जुड़े हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खड़े हो जाइए। हाँ चलो उनको दे दो उनके बारे। राधे राधे गुरु जी। जी भैया गुरु जी मेरा ये पूछना था आपसे कि जैसे हिंदू धर्म में सब बैठ जाओ, मेरी माँ बहन सब बैठ जाओ, हमारे हिंदू धर्म में काफी गॉड्स हैं, भगवान हैं, फिर भी हमारे कई हिंदू धर्म में लोग जो होते हैं वो पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा जो छोटे छोटे उनके रहते हैं, आपने देखा हो रस्ते में, तो उनके आगे जरूर जाते हैं और वो हाथ जोड़ते हैं, और मैं पूछता हूँ उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कह रहे सब करते हैं, मेरा यही पूछना है। सब कोई नहीं करता, अब देखो इसलिए कहते हैं एक पे विश्वास रखना चाहिए। मेरा श्याम पे भरोसा है, भगवान पे विश्वास रखो और बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान के सिवा कहीं नहीं, एक भगवान के सिवा। पर मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि वो सब ऐसा करती क्यों है, क्या इसका पीछे से ऐसा। अज्ञान 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 उछाल मार रहा है, अज्ञान सिर्फ एक भगवान ने करा, सपने करा। भगवान पे विश्वास नहीं है ऐसे लोगों को। हाँ हाँ। है ना, इसीलिए जो पतिव्रता नारी होती है ना, हाँ हाँ। वो अपने पति के सिवा पराये पुरुष की तरफ कभी नहीं देखती, उसी प्रकार जो सच्चा भक्त होता है वो अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं देखता, ये सब वो लोग हैं जो कहीं भी। तो मैं उनके पीछे ना जाऊं देखकर उनको समझा दो, अच्छा है कहां मूर्ख। राधे राधे गुरु जी, समझाओ अच्छी बात, ये खड़े हो जाओ।